ऐसी भ्रामरी 5-7 बार करना, फिर दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था सूर्योदय होता है तो कैसे एक आभा मंडल होता है सूर्य का, ऐसे ही भीतर सूर्य दिखाई देगा, भीतर का प्रकाश, और इसमें मन टिक जाता है, भगवान से लो लग जाती है, उसे प्रीत लग जाती है, व्यष्टि का समष्टि के साथ तादात्म्य संबंध जुड़ जाता है, सारी दैवी शक्तियां अनुकूल हो जाते हैं, देवादिदेव ब्रह्मदेव हमारे भीतर बाहर सर्वत्र वही तो ओतप्रोत है, उसके साथ दिव्य संबंध स्थापित हो जाता है, हमारा मस्तिष्क ईश्वरीय ज्ञान से, आंखें उस भगवान की दिव्य दृष्टि से युक्त हो जाती है, वाणी दिव्य वाणी, कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं, प्रेम दिव्य प्रेम में रूपांतरित हो जाता है, जीवन दिव्य जीवन में रूपांतरित हो जाता है, हमारा ज्ञान हमारी दृष्टि हमारी वाणी हमारा व्यवहार हमारा आहार हमारा स्वभाव हमारा पूरा जीवन दिव्य जीवन हो जाता है प्रभु की सानिध्य से, लंबे गहरे श्वास भरेंगे और उस प्रभु के साथ पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ जाएंगे और तब परम सुख पाएंगे। लंबा गहरा श्वास भर करके फिर ओम बोलना चाहिए और उसमें पूरे समाहित हो जाओ, पिंड में ब्रह्मांड में एक ओंकार ही तो है, उसी का सब कुछ है, उसी में सब कुछ है और अंतिम गंतव्य भी सबका वही तो है। लंबा गहरा श्वास भर के ना इसे ओ मौन हो जाते, श्वासों के साथ मन को टिकाते, जैसे ही श्वासों के साथ मन को टिकाते हैं कंसंट्रेट करते हैं ब्रेथ के ऊपर मन को, तो श्वासों की गति सूक्ष्म हो जाती है,
जितना श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होगा मन उतना ही शांत होता जाएगा और व्यष्टि का समष्टि के साथ तादात्म्य संबंध जुड़ता जाएगा। फिर हम एक पृथक इकाई के रूप में नहीं होंगे, समष्टिगत पंचभूत जिनसे देह बना, इस पिंड का ब्रह्मांड के साथ समष्टिगत मन के साथ हमारे मन का, समष्टिगत आत्मा के साथ आत्मा का, और समष्टिगत वो परा सत्ता परम सत्ता परम शक्ति परमात्मा उसके साथ संबंध हो जाता है।